अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन हैं, वो कैसे हैं और वो कैसे दिखते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले जाकर आप उनकी प्रोफाइल देखें। जी, तो आपने देखा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान का सरमाया है ये, और ये पहले रेसलर हैं जिन्होंने अमेरिकन रेसलर WWE राइनो को हराया है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं जॉर्डन हुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है आपको रेसलिंग जो है लड़ते हुए? ऑलमोस्ट 7 साल हो गए रेसलिंग करते हुए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह आपका, क्योंकि आपने जो है अमेरिकन रेसलर को हराया है। क्या मोमेंट था उस वक्त, क्या फीलिंग थी आपकी? जी, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी उस वक्त, क्योंकि वो राइनो वो रेसलर था जिसको मैं टीवी पे देख के बड़ा हुआ था, उसको मैं रेसलिंग करता देखता था। तो बस फिर जब खुद इस फील्ड में आए और फील्ड में आने के बाद वो ही ओपोनेंट मिला और उसी ओपोनेंट को जब बीट किया और पाकिस्तान का पहला चैम्पियन बना मैं, तो ऑब्वियसली बहुत ब्लेस्ड डे था मेरे लिए और आई वाज सो हैप्पी, और वो हमेशा याद रहेगा मुझे मोमेंट अपना। ऑब्वियसली क्योंकि आपका एक आपकी इंस्पिरेशन थी वो बंदा, उस बंदे से आप इंस्पायर हो के आपने जो है रेसलिंग स्टार्ट की, तो आपने उसी को हरा दिया, मतलब उससे बड़ी तो और खुशी की बात नहीं हो सकती। इसके अलावा मुझे बताएं कि अब तक जो है आप कितनी बेल्ट्स माशाल्लाह से जीत चुके हैं? देखें, आई एम द रिचेस्ट गाय ऑफ दिस इंडस्ट्री। मेरे पास पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सारी चैम्पियनशिप रह चुकी हैं और करंटली मैं REW फर्स्ट एवर हैवीवेट चैम्पियन हूँ, REW इंडियन चैम्पियन और फॉर्मर REW ईस्टर्न चैम्पियन हूँ, जो कि अभी एक लूजर ने चीट करके मुझसे ले लिया, लेकिन वेरी सून मैं उसको वापस ले लूंगा। तो इंशाल्लाह मैं पहले की तरह ट्रिपल क्राउन चैंपियन अपने आप को कह सकूंगा। अच्छा, तो आप को जो है आपको भी कम्पीट करने वाला कोई आपको मिल गया, टक्कर लेने वाला कोई आपको मिल गया? हाँ, अनफॉर्चुनेटली एक मिल ही गया और उसको शायद अभी अंदाजा नहीं था कि जब उसने चीट किया तो उस वक्त तो उसको अच्छा लगा, लेकिन अब इंशाल्लाह बहुत जल्द जब उसे बेल्ट लूंगा तो मैं उसके अगेंस्ट उसको एक बहुत सारे सरप्राइजेस हैं मेरे पास उसको देने के लिए। अच्छा, तो मैं उसको दूंगा। तो ये जो है आप जो है कि कहते हैं कि खुल्लम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आप उसे बेल्ट वापस लेकर रहेंगे? ऑब्वियसली मैं तो एक चीज तो थी ही मेरी ना, वो तो एक चोरी करके लेके गया एक तरह से, चीट किया। अगर उसमें गट्स होते तो वो ऑब्वियसली वो मुझसे मैन टू मैन फाइट करता, फाइट करके लेके जाता, तो मैं भी उसको अप्रिशिएट करता। आप समझ गए होंगे मैं कोवू ब्रैंडन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ। कोवू के साथ आपका क्या मसला चल रहा है? खैर, मेरा ये सवाल था, आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया। तो किस तरह से उसने चीट किया, कैसे वो आपसे बैठ ले? लेकिन जब मैं नेपाल से आया था विन करके, तो कोवू से पास में मेरे जो है बैड टर्म्स रहे, लेकिन फिर सरप्राइजिंगली वो आया और उसने मुझे जो है काफी अप्रिशिएट किया। लेकिन फिर उसने उस चीज का ही जो है वो धोखा दिया मुझे और उसने मुझे चीट करके इंजर्ड किया, देन वो जो है वो चीट टू विन करके सेलिब्रेट कर रहा है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ। तो आप जो है आप उससे बेल्ट वापस ले लेंगे, ये कब होने वाला है जब आप उससे बेल्ट वापस लेंगे? देखिए, जिस दिन भी मेरे सामने आ जाएगा, वैसे इंशाल्लाह जो लाइनअप है हमारे पास रसल फेस्ट करके जो है वो बीच पार्टी है जिसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी होगा, उसमें भी आई होप के वो मेरे सामने आए। सही। अगर नहीं आया तो ट्रेम मॉल में हमारा एक समर स्मैश का एक शो है। अच्छा, तो तब नहीं भागने दूंगा मैं उसको। अच्छा अच्छा, यानी कि आप चाह रहे हैं किसी भी हाल में आप अपनी बेल्ट वापस ले लें उससे? जी चलें जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये बताएं, ये जो आपने बेल्ट पकड़ा हुआ है, ये आपने अभी रिसेंटली विन किया है? नहीं, रिसेंटली तो नहीं, इसको भी लिए हुए ऑलमोस्ट आई एम द लॉन्गेस्ट चैंपियन इस बेल्ट के साथ, और मैंने इसको यूं कह लीजिए कि 10-12 टाइम्स मैं डिफेंड कर चुका हूँ और अब तक मैं इसको हारा नहीं हूँ। अच्छा, यानी कि ये जो है आपके लिए लकी चार्म है?
या इसके लिए मैं लकी चाहूँ या ये भी हो सकता है, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस कि हो सकता है कि आप इसके लिए लकी चाम हो। मुझे ये बताएं आज तक आपने कितने टूर्नामेंट्स किए होंगे और कितनी बेल्ट्स जो है विन की होंगी? देखिए मोर देन 100 फाइट्स जो है मैं लड़ चुका हूँ, जिसमें से अराउंड 70 जो है वो लोकल फाइट्स होंगी और इसके बाद कोई 25 से 30 फाइट्स जो है डिफरेंट फॉरनर्स और यूरोपियन मैक्सिकन अमेरिकन रेसलर्स के साथ में पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर कर चुका हूँ। अच्छा जी, और कुछ ऐसी हैं जो कि हम ऑन एयर नहीं करते, वो भी होंगी, तो ये 100, 120 समथिंग कुछ अच्छा, इस तरह की फाइट्स। माशाल्लाह, मतलब इतने आप टूर्नामेंट्स विन कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम बैठा है व्यूअर्स इस वक्त। मुझे ये बताएं, जब आपने बोला कि मुझे रेसलर बनना है, घर वालों का रिएक्शन क्या था, उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको? सपोर्ट तो खैर कभी किसी ने नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली ये एक सैड रियलिटी है और ये हर रेसलर के साथ है। अच्छा, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा एक बैकग्राउंड जो है वो शुरू से ही कुछ हेल्दी स्पोर्ट्स की तरफ ही रहा, यानी कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो खुद जो है पहलवान थे। अच्छा, आपको पता है देसी कुश्ती जो हमारे हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे वालिद जो हैं वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। अच्छा जी, वापडा की तरफ से वो बॉडी बिल्डिंग किए करते थे, तो ये चीज तो आपके जेनेटिक्स में ही आ गई। जेनेटिक्स में आ गई। तो कहीं ना कहीं हर्डल्स आए, ऑब्वियसली जब आप इंजर्ड होकर घर जाते हो तो कोई भी आपको फिर अप्रिशिएट नहीं करता, फिर वो यही कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। खासतौर पर जिस जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, हमारे यहाँ तो बड़ा जो है वो लुक आफ्टर किया जाता है बच्चों को, जब वो बड़े होते हैं बड़ा मेहनत से उनको जो है वो ग्रूम किया जाता है। बिल्कुल सही। तो मसला तो आता है और अभी भी आ रहा है, लेकिन कर रहे हैं, अभी पैशन है, पैशन को लेके चलेंगे। पाकिस्तान का नाम जाहिर है इतना आसान तो नहीं है ना किसी भी जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के साथ आगे लेके जाना। सही। तो इंजरीज तो ब्यूटी है इस खेल की। तो जब इंजरीज होती हैं घर जाते हैं, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता है या फिर कोई जख्मों पे वो मरहम रखने वाला नहीं होता, तो नमक किस तरह से उसको मैनेज करते हैं आप उस अपनी सिचुएशन को? तो छुपाते हैं, एक ही तरीका। देखिए हमारे जो है वो हमें जॉब्स भी हैं। हाँ। और वहाँ पे भी हमें हाइड रखनी पड़ती है चीजें। अच्छा। क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को, इंजरीज को ऑब्वियसली। और जब आप इस तरह से कुछ सुझा के जाते हो तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और पहले तो लोग मानते ही नहीं थे। अब थोड़ा सा जो है वो टेलीकास्ट होने लगा, वीनस पे भी आने लगे, लोगों को देखने को मिलती है रेसलिंग, तो अब वो ये तो मान लेते हैं कि रेसलिंग करता है, लेकिन क्यों करता है वो अभी भी क्वेश्चन तो करते हैं कि यार क्यों करते। तो जबकि इसका बड़ा सीधा सा आंसर है कि वो खुद बैठ के जो है टीवी पे देखते हैं, अमेरिका WWE देखते हैं। सही। हर एक रेसलर के बारे में उनको पता है। तो जब अमेरिकन्स को आप देख रहे हो तो थोड़ा सा पाकिस्तानी भी देख लो यार। सही सही। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि अब जो है लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है और अब जो है रेसलिंग को भी एक मकाम हासिल हो चुका है, जैसे क्रिकेट को या हॉकी को है, उसी तरह अब रेसलिंग को भी आप जैसे लोग माशाल्लाह से प्रमोट कर रहे हैं इसको? देखें मैं किसी खेल को डिस्करेज तो नहीं करूंगा, लेकिन काश मैं भी जो है वो 36 गेंदों पे एक सेंचुरी बना के जिंदगी भर के लिए लेजेंड बन जाता, या 100 माइल की स्पीड से एक बॉल करा के मैं जिंदगी भर के लिए लेजेंड बन जाता। लेकिन हमारे खेल में ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे खेल में आपको इंजर्ड होने के बाद भी वही चीज रिपीट करनी है। आज अगर इंजर्ड हो तो आपको 2 दिन बाद फिर दोबारा रिंग में ही आना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बॉल हिट कर गई तो आप 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे हो, आपको जो है वो क्रिकेट बोर्ड पे भी कर रहा है, आपका मेडिकल आपका सारा कुछ जो है वो पीछे से आपका सपोर्ट भी हो, ऐसा नहीं है। तो ये ज्यादा टफ है। और अगर इस खेल को पाकिस्तान में जैसे आप मिलने लगी है प्रमोशन या कुछ एप्रिसिएशन कह सकते हैं उसको, तो हम दूसरे खेलों से ज्यादा पाकिस्तान का नाम रेसलिंग के थ्रू आगे लेके जा सकते हैं और हम अर्न कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा। क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा तरीन स्पोर्ट है रेसलिंग। सही। WWE का जो टिकट होता है वो एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना महंगा। बिल्कुल। और 70 से 80 हजार एट ए टाइम लोग बैठ के देखते हैं उसको। ठीक है, जिसमें सऊदी से भी लोग ट्रैवल करके US जाते हैं, रिंग के चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं, कितने होते हैं, बहुत क्राउड होता है वहाँ, मर्चेंडाइज भी बिकता है उनका। एक सेल्फी के लिए भी उनको पे करना पड़ता है, एक ऑटोग्राफ के लिए भी पे करना पड़ता है, हर चीज के उनको पे करना पड़ता है। वो कमाते हैं और हम जैसे लोगों से ही कमाते हैं। ऑब्वियसली अगर हम हमारे घर पे अगर चैनल पे चल रहा है तो ये पब्लिक डिमांड ही है ना, तभी तो टीवी पे चल रहा हूँ। सही, बिल्कुल ऐसे है।
बहुत सारे लोग देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं बैठ के, बहुत सारे देखते हैं, लेकिन वो बस अपने लोग को मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पसंद नहीं करते, पसंद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये रिस्की है, ये डेंजरस है, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। बल्कि वो जो है खुद रेसलिंग देख रहे होते हैं लेकिन अपने बच्चों के साथ बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो देख रहे हैं तो फिर मना भी कर रहे हैं। और जबकि एक पैशन है, किसी को डॉक्टर बनने का शौक है, आप उसको इंजीनियर कहोगे तो वो फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे नहीं चल पाएगा, वो कंप्लीट तरीके से कर नहीं पाएगा। एग्जैक्टली तो और दुनिया में तो ये पैशन जो है प्रोफेशन भी है, बिल्कुल हमारे तो अभी जस्ट एक पैशन है ना, हर चीज हम खुद से ऑन इट्स ओन कर रहे हैं, अपने पॉकेट से के सब कुछ हमें, और इसके ये जो है वो सस्ता स्पोर्ट नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये महंगा है, इसके एक 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 हर डेली आपको जो है ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। सही, तो इसके लिए जो है डाइट होती है कोई प्रॉपर? इसलिए इसकी तो देखें सबसे पहले तो डाइट मैटर करती है, ठीक है, जब आप मेंटली फिजिकली फिट होते हो, हेल्दी होते हो, तो ही आप रिंग के अंदर आ सकते हो, वरना एक मिनट में ही जब आपका स्टैमिना नहीं होगा या आप अनफिट हो गए तो आप हार जाओगे, तो आप स्टे नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, डाइट भी होती है, डाइट प्लान होता है स्पेसिफिक इसका, और एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ रूटीन वर्कआउट्स होते हैं स्पेसिफिक रेलेवेंट टू द रेसलिंग। जिमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज है। ओके, यानी कि अगर आपको मसल्स भी बनाने तो आपको घंटा डेढ़ घंटा आपको वो एक अलग चीज करनी है। बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग हम इसमें आपको कराते हैं, मसल मेमोरी आपकी स्ट्रांग कराते हैं, यानी कि कनेक्शन आपका ब्रेन टू द एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। सही है, कि आपको जस्ट लाइक दैट आप अपने आप को डिफेंड करना है या अटैक करना है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ कि आपकी सिक्स सेंस जो है वो कितना, हां उसकी उसके बारे में बात करें जी। और आपको जो है वो हम सिखाते हैं कि रिंग में भागना कैसे, अपने बॉडी को डिफेंड कैसे करना है, आप कहीं ट्विस्ट ना हो जाओ, बॉडी का सारा एक कंट्रोल, नी का प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई टखना ना निकल जाए, हाँ, और मोस्टली ये हो जाता है। अच्छा जी, तो पावर लिफ्टिंग हम सिखाते हैं कि अपने से अगर दोगुना हैवी आ जाता है तो उसका आप उठाओगे कैसे, जब आप तो हम डेली उसके ऊपर बर्डन डालते हैं, डेली उसको प्रैक्टिस कराते हैं उठाने की, स्काउट्स कराते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, तो हम उसको पहले फिट करते हैं, ओके, तो फिर उसके 6 महीने तक उसको थोड़ा सा टिका के उसको जो है पक्का करते हैं, मारते ही है जाहिर है। वी कैन से कि ये एक ट्रेनिंग होती है, पूरा एक ट्रेनिंग। तो ये कितनी देर में जो है एक कंप्लीट जो है रेसलर बन जाता है, इट टेक्स हाउ मच टाइम? इसकी ट्रेनिंग तो खैर कभी खत्म नहीं होती, ये तो ऑनगोइंग होती है, लेकिन ये है कि और कुछ अपने ऊपर भी होता है कि कितनी जल्दी पिक करते हैं उसको, लेकिन नॉर्मली जो अभी तक मैंने देखा है कि वो 6 महीने लग जाते हैं किसी को रेडी होने में। यानी कि अगर एक आम इंसान आता है आपके पास और वो कहता है कि मुझे आपकी तरह बनना है, ऑब्वियसली आपको आपको देख के बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, आप लोग आपको देख के यही कहते होंगे कि मुझे भी ऐसा बनना है, तो जब ऐसा कोई आम इंसान आपके पास आता है उसको कितना टाइम लगता है कंप्लीट रेसलर बनने में? अगर वो रुक गया हमारे पास, हाँ सबसे पहली चीज, अगर वो 2 दिन के तीसरे दिन आ गया वापस, क्योंकि 2 दिन में ही फैसला हो जाता है कि आएगा या नहीं आएगा। अच्छा जी, या तो उसकी कॉल आई थी कि जो है वो मॉम परमिशन नहीं दे रही है, फैमिली परमिशन नहीं दे रही है, या वो कहते हैं कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मेरे बहुत दर्द हो गया। तो जब वो 3rd day 4th day आते, शुरू में तो हम उसको हल्का हाथ रख के चेक करते हैं कि इसके अंदर जो है मतलब कितना ज्यादा पैशनेट है और कितना जो है ये सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, जब वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हमारे पास रह लेते तो फिर हम उसको ग्रेजुअली इस चीज के ऊपर ले जाते हैं, 6 महीने फिर भी उसको लगते हैं जी, उसको तब उससे पहले हम परफॉर्म नहीं कराते। मोस्टली लोग जो है वो जब आते हैं तो भाग जाते हैं जी, हमारे पास आते हैं जिम से आते हैं, बॉडी बिल्डर्स आते हैं, और मतलब सबका असल में परसेप्शन ये है कि दिस इज समथिंग वेरी इजी ना, लेकिन जब आते हैं तो ऑब्वियसली अंदर की दुनिया एक अलग होती obviously. है। तो जब आते हैं, जब हम उनसे कराते हैं 5 मिनट का प्लैंक हम कराते हैं, थोड़े से पुशअप्स कराते हैं, स्क्वाट्स कराते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो उससे हम उसका स्टैमिना चेक करें। सही, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है अभी जो यूथ है वो काफी जो है वो इस मामले में थोड़ी सी जो है ना वो उसको जरूरत है कुछ खाने पीने नेचुरल की तरफ आने के लिए ना, बजाय ये कि जंक फूड खाते हैं और इस तरह की चीजें जो आजकल बच्चे आपको पता ही है जंक फूड ज्यादा खाते हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मुझे रेसलर बनना है या फिर मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। बहुत आते हैं, बहुत से फिर डिसअपॉइंट होके जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, कितने आते हैं सीरियसली वो नहीं हो पाते, उनसे कहते हैं नहीं हो रहा, दिल कुछ दिल की भी बात होती है, डर
एक होता है वो डर, डरते हैं कुछ हाँ करने से ना हाँ कुछ, हाँ क्योंकि देखें इसमें रिस्क लेना है, इसमें रिस्क बिल्कुल लेना है। ऐसे है। फिर हम जब ट्रेन करते हैं तो हम तो छत से ऊपर नीचे फेंकते हैं पहले, कि जब 2-3 दफा गिरेगा तो इसका डर निकलेगा। डोंट टेल मी जी सीरियसली। जी 10 से 12 फुट की हाइट ये से जब वो, आप छत से फेंकते हैं नीचे तो इसका कितना वो होता है, मतलब फासला कितना होता है? ऑब्वियसली 10 फुट 12 फुट की हाइट होती है, ठीक है। और नीचे जो है ऑब्वियसली फ्लोर नहीं होता है, हम उसको जो है एक हार्ड मैट लगाते हैं ओके उसको, ओके लेकिन फिर भी झड़क हाँ आता है और वो समटाइम ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कन जो है ना वो बंद हो गई, लेकिन ऑब्वियसली हम वो फिर ऐसे ऐसे सेट हो जाते हैं, हाँ क्योंकि हाँ हाँ हम कराते हैं इसलिए कि अगर अभी कर पाएगा तो ही रिंग में जाके कर पाएगा ना, बिल्कुल वरना ऐसे ही। तो चल ही नहीं सकता फिर। दिल में डर होगा तो फिर आप जो जी है अगले बंदे को बीट नहीं कर सकते जी हैं। नहीं कर पाते हैं। मतलब कहने के लिए लोग बहुत होते हैं कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, लेकिन जब हम उसको इतनी सी हाइट से भी कहते हैं कि चलो यार यहाँ से जो है ना तुम खुद ही गिर के दिखाओ, तुम्हें भी नहीं फेंक रहे हूँ, हम नहीं फेंक रहे, खुद गिर जाओ। अच्छा नहीं चलें यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। वीर्स मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम बैठे हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जॉर्डन हुर, और बहुत अच्छी और मजे मजे की चर्चा चल रही है। जॉर्डन मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह से इंडिया से भी जो है चैंपियनशिप जीती, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ के लोगों ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया? देखिए इंडिया का, इंडिया से जीतने की जो खुशी है ना वो तो आपको पता है, उससे बढ़कर खुशी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दैट्स ट्रू। और इंडिया में घुस के मतलब जाकर हाँ ही किसी इंडियन को बीट करना सही तो इसका तो मज़े अलग है, लेकिन वो चूंकि होता ही है ना कि हमारे यहाँ इस चीज़ को, रेसलिंग को इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, हाँ ठीक है, हाँ वो कवरेज इसको नहीं जाती, और इंडिया में ऐसी चीज़ों को छुपाया जाता है, स्पेशली जब पाकिस्तान की कोई बड़ी चीज़ जब आती है, पाकिस्तान का कोई भी इंसान जीतता है तो फिर उसको वो हाइड कर वो देते तो हैं। जाहिर अच्छी चीज़ें छुपाते हैं और वो नेगेटिविटी हाँ स्प्रेड बिल्कुल करते ऐसे हैं, ही है। तो वो दिखाया नहीं गया। लेकिन ये कि उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे दोबारा मौका मिले अच्छा और मैं वहाँ पे जाऊँ, और क्यों चूँकि वहाँ से मुझे अक्सर मैसेज, क्योंकि वो जो उनकी मेंटालिटी है एक एंटी ह्यूमन उनकी मेंटालिटी है, तो वो मैसेज करके मुझे उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। अच्छा जी लोग मतलब इस तरह इसलिए के मैसेजेस करते हैं हाँ, आपको? तो वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, मुझे उनसे यही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडियंस जो है सारे तो नहीं लेकिन मोस्टली जो है वो पाकिस्तान से जो है वो इतने हैप्पी नहीं रहते किसी भी हवाले से। पाकिस्तान से नहीं, आई गेस उनको मुसलमानों से मसला है। हाँ कुछ बिल्कुल इतने बिल्कुल इंतहा पसंद भी होते हैं कि वो इस्लाम के बारे में भी, अभी भी रिसेंटली एक वीडियो आई हुई है उसमें भी उन्होंने कोई गुस्ताख रसूल, उसने गुस्ताखी की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर। तो इंडिया को तो पता नहीं हर तरह से ही मसला है हमसे। असल में देखें, इंडिया चाहता है कि हमारे पाकिस्तान के पास एक और एक नया मुल्क और भी होना चाहिए, सही तो वो जो काम कर रहा है वही वो 40s के दौर में कर रहा था, सही तो फिर एक पाकिस्तान बन गया था, सही तो अभी भी उनकी वही प्रैक्टिस है, क्योंकि जो मोदी मेंटालिटी है वो उसी तरफ जा रही है। तो बिल्कुल देखें फिर इस तरह के हालात होंगे तो वहाँ पे फिर एक नया मुल्क बनेगा, और जो है वो जो उनके काम है वो अभी इस तक तरह एंटी इनकी जो मुस्लिम है। मेंटालिटी है ये लोग कभी कामयाब हो नहीं सकते, बिकॉज यू नो एक जो पॉजिटिव इंसान है उसको पता है ये मेरा रास्ता है, हम एक ही ट्रैक पे हैं, वो 10 ट्रैक्स पे हैं तो छोड़े पर उनको छोड़ देते हैं हम। हम बात करते हैं कि इंडिया जब आप गए तो लोगों का आपका रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? देखिए शुरू में तो बड़ा पसंद कर रहे थे ना, बड़ा अच्छा 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 ये है वो है, लेकिन अच्छा जब वो हार, तब वो असल में उनका हार हजम नहीं होती है हार नहीं हजम हुई उनको। जी, अच्छा तो फिर वो फैन से वो जो है वो हेटर, और वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फौरन अच्छा से। ऑन जी द हाँ स्पॉट वो जी फैंस से हेटर्स हाँ, वो बन गए, चैंट करते करते जो है ना वो, फिर वो जब देखते हैं ना लो हार गया, इंडियन हार इंडियन गया, हार गए ऑब्वियसली जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो फिर ऑब्वियसली। हम नहीं देखते हम इंडिया में हैं या हम बांग्लादेश में हैं या कहीं भी हैं, हमारी बिल्कुल सेलिब्रेशन हमारी पाकिस्तानी जो स्टाइल होता है, हम फिर अपना झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल तो सही वो उनको आग लगती तो लगे। सही बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ कि वहां से निकलते हुए कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हुआ हो, किसी ने कोई बदतमीजी की हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ कुछ, ऐसा हाँ नहीं ऐसा हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप जो है इंडिया में गए थे, यू नो एक इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि अगर हमारा कोई बंदा वहां जाएगा तो वो माफ नहीं करते, इसीलिए मैंने आपसे हाँ ये। नहीं वो असल में जब
जब गया था जब तो एक उनका वेलकमिंग सा था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये, और वो इंडिया बहुत जो है वो अमन पसंद है और ये वो इस तरह से जो है वो, लेकिन फिर वो चेंज हो जाते हैं। वो थोड़ा सा उनका है साइकी का प्रॉब्लम है, वो तो फ्रस्ट्रेटेड कॉम है एक, सही। तो वो दिखा देते हैं वो कहीं ना कहीं, उनको जो है चलें अल्लाह कॉम्प्लेक्स। उनको हिदायत दे, हम उनके बारे में और मजीद कुछ कह नहीं सकते हैं। खैर मुझे ये बताइए, जो आपकी दूसरी बेल्ट पड़ी हुई है, ये आपने कब जीती? देखें ये तो मैं, अगर इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं होता तो मैं इसको अपने जूते के साथ लगा के रखता, क्योंकि ये इंडियन ओ माय चैंपियनशिप। गॉड, वाओ, ये विन की आपने जी इंडिया से? जी और ये इंडियन रेसलर के ही जो है पास थी, ओके और वो तकरीबन 2 साल इसको लेके घूम रहा था। लेकिन ये कि जब मैं गया तो मैं इसी एम के साथ गया था कि मैं इसको वापस पाकिस्तान लेके ही आऊँगा, सही। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके आया। आपने उससे ये बेल्ट ले ली। इस तरह का कोई टूर्नामेंट होता है कि जब आप जाते हैं तो वहां पे कोई, ऑब्वियसली दूसरे मुल्कों में भी आप गए हैं, वहां पे कोई जब चीटिंग करता है आपके साथ तो ऑब्वियसली पता चल जाता है। कभी दिल किया है कि मतलब उसको दो लगा दें? नहीं, ऐसे इंडियंस के साथ मेरा बड़ा हो रहा था, और मैंने ऑर्गेनाइजर को कहा भी था कि यार अगर कोई मिसबिहेव करेगा ना तो मैं उसको, फिर भले वो क्राउड है या वो कुछ भी है, फिर बिल्कुल आप ये कंट्रोल करना आपका नहीं, काम है, मोस्टली हमारे ऐसा काम होता नहीं है, है। रेफरी ही आपके अगेंस्ट हो जाता है। रेफरी भी ऐसा हो कभी हुआ जाता आपके साथ? हाँ समटाइम हुआ भी, लेकिन वो मैं उसको पिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उस यहाँ के तो रेफरी से भी ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली तो कुछ हाँ। चीज़ें मैं पहले से ही भाप लेता हूँ कि अब ये क्या, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन समटाइम ब्लाइंड हो जाता है, रेफरी भी ब्लाइंड हो जाता है। जैसे मैं गिरा हुआ हूँ, रेफरी को नहीं दिखा, उससे एक मिस्टेक हो गई। जैसे लास्ट टाइम जो है कोवू ने जो किया था, अच्छा कोवू ने बेसिकली मुझे एक आयरन रॉड मारा था, और वो अच्छा रेफरी अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाया था, अच्छा तो वो कुछ सेकंड्स के लिए मैं फिर जो है वो जब गिरा था तो उसका एडवांटेज जो है कोवू ने लिया था, एट और वो दैट टाइम ये आप रिंग की बात कर रहे हैं, जी आप मैं रिंग की बात मतलब ले रहा आप दोनों में मुकाबला चल रहा था, हूँ। जी लेकिन वहां पे आयरन रॉड आया कहाँ से? वो अब ये देखें, जो जिसकी अप्रोच ही चीटिंग की होती है ना, तो पहले से प्लान करके रखता है, तो आई डोंट अच्छा नो ये रिंग के नीचे से लाके छुपाया था, या ये अपने साथ किसी को इसने अपना कोई क्राउड में इसने अपना जो है वो प्लांट किया हाँ हुआ था किसी को, हाँ आई डोंट नो। लेकिन बिकॉज ये रिंग कि में तो ऑब्वियसली आप लड़ रहे चेकिंग होती होते है हैं। ऑब्वियसली, हाँ पहले हाँ चेक करते हैं उसको सारा जो है वो, कि कुछ हाँ आया तो नहीं उसका, हाँ फिर हाँ रूल्स होते हैं, हाँ और अगर रेफरी देख लेता तो वो ये डिसीजन नहीं होता, सही। लेकिन वो देख नहीं पाया, वो नाबीना हो गया था रेफरी उस वक्त। ओके ओके, तो इसके मतलब ये हुआ कि आपको कोबू से इस बात की जो है शिकायत है। शिकायत तो पूरी कर देंगे हम, वक्त आएगा तो। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। इसके बारे में अब मजीद हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आप दोनों के आपस की बात है। खैर एनीवेज, मुझे ये बताएं कि किस एज में आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बड़े होके जो है रेसलर ही बनना है? ये तो बचपन से ही, बिल्कुल जब बिल्कुल यंग एज थी, बिल्कुल अर्ली एज, यानी कि जब स्कूल गोइंग भी नहीं थे जब, तो जब ही मतलब एक एक पैशन था सोच लाइक, लिया था, लॉक कर दिया था हाँ सोचा बस। था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, बस ये हाँ सोचते थे कि काश, बल्कि मैं अक्सर कहता भी था अपने फ्रेंड्स में कि यार अगर मैं US में पैदा होता ना तो मैं रेसलर बनता, अच्छा लेकिन वो सब ऐसा था ही नहीं, सब हंसते ही थे। हाँ इनफैक्ट एक जगह मैं जॉब इंटरव्यू देने गया था, तो उन्होंने मुझसे जॉब के बारे में कहा, उन्होंने मुझे एक नसीहत की कि यार जिस जिस काम को तुम्हें पसंद हो ना वो हाँ काम करना चाहिए, हाँ 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 तो मैंने उनको वहीं कट कर दिया। मैंने कहा सर मुझे तो ये काम पसंद नहीं है, सीधी ओ बात माय गॉड, आपने उनके मुंह पे ना, बोल दिया। मैंने कहा मैं तो पसंद से नहीं करूंगा, काम करूंगा सर्वाइवल के लिए, लेकिन पसंद हाँ तो मुझे रेसलिंग है। तो उनका रिएक्शन क्या वो तो आया? वो भी हंसे, उन्होंने कहा कि जो चीज़ है ही नहीं तो उसके बारे में सोचना ही बेकार। सही। तो बस वो आप देखें अल्लाह ताला कब कब हमने सोचा था, एक था दिल में बिल्कुल, दिमाग एक में। नियत पर मुराद होती है, हाँ आपकी नियत थी और अल्लाह ने जी आपको आज हाँ माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था, आपने खुद ही बताया कि इतने वसाइल नहीं थे, ऑब्वियसली कोई एकेडमी नहीं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, तो स्टार्ट कैसे किया था आपने? स्टार्ट देखें, ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में एक रेसलिंग शो हुआ था, आई गेस PWE कुछ उसका नाम था ना, अच्छा तो उन्होंने एक रेसलिंग शो ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा उस वक्त जो है ना बस एक ही क्रेज था कि यार रेसलर्स को देखना है। उस वक्त WWE के कुछ रेसलर्स आए थे, लेकिन जस्ट वो अनाउंसमेंट और इसके लिए आए थे, तो मेरा एक वो था कि मैं इनको देखूं कि ये रियल में रेसलर्स कैसे होते हैं। हाँ तो मेरा एक दोस्त है वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज था, तो मैं उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे जाना किसी तरह से अंदर भिजवा दो, मैं जाके जाना इनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि पास लेके अगर मैं बैठूंगा ना तो मैं एक जगह स्टक हो जाऊंगा, मैं तो मीट अच्छा एंड ग्रीट नहीं कर अच्छा अच्छा सकता वहाँ। अच्छा
तो बहरहाल उसने मुझे, आप चाह रहे थे कि आपकी हाँ, मुलाकात हो उसने जाएगी। मेरे एज ए बाउंसर है, एक मुझे कार्ड दिया, उसने कहा कि चलो तुम अंदर जाके घूमते फिरते रहना और उनसे मिल भी लेना। मिल भी लेना। तो खैर मैं अंदर गया, वहां पे फिर जो है उनसे मिला, तो वहां से एक जो है वो एक स्पार्क आया कि यार पाकिस्तान में तो हो रही है। सही। लेकिन वो फिर चले गए, वो एक शो लाइक एक कॉन्सर्ट के वो करके चले गए। फिर गूगल सर्चिंग की, फेसबुक पे सर्च किया इधर उधर के, यार पाकिस्तान में कहीं कोई तो कर रहा होगा। तो पता हाँ चला कि एक नॉर्थ नाजमाबाद में जो है वो एक मैट पे जो है ना वो रेसलिंग हो रही है, रिंग भी नहीं अच्छा था उस वक्त, एक अच्छा मैट के ऊपर रखा हुआ है और वो खुद खुद से ही कर रहे थे, अच्छा यानी वो यूट्यूब की वीडियो लगाई और रेसलर ऐसे मूव कर रहे तो हम भी ऐसे ही करते। वो जस्ट एक अच्छा खेल था वो, और कुछ अच्छा भी नहीं था, वो प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं थी, वो जस्ट एक ऑब्वियसली यहाँ पे शौक। प्रॉपर कोई एकेडमी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं थी जब आपने स्टार्ट किया, तो जी दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि आपने कैसे मतलब स्टार्ट लिया कैसे। बस फिर वहीं से एंटर हुआ, वहां से कांटेक्ट किया, वहां गया, बॉडी अच्छी थी, उन्होंने भी कहा कि चलो सही है तुम आ जाओ। तो वहां से गया, फिर उसके बाद दुबई गया, दुबई में जाकर वहां का जो एक ट्रेनर था, DPW के नाम से एक कंपनी है, वहां जाके उससे ट्रेनिंग ली। ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकता था, 15 दिन का कोर्स किया, सही क्योंकि आपको पता ही है खुद से ही कर रहे थे सब कुछ। फिर वहां सही से वापस आया, फिर US से एक रेसलर आया था जो कि वहां का ट्रेनर है, वो ओन करता है एक प्रमोशन अच्छा को। तो अच्छा जब वो मिला तो उसने भी ट्रेनिंग सेशंस दिए हमें, सेमिनार्स वो ऑनलाइन हम करते रहते थे, फिर फिजिकली उसने जो है फेस टू फेस उसने चीजें सिखाई। तो बाकी ये कि फिर खुद से पॉलिश किया अपने आप को, खुद ही फिर उसके बाद से लेके चले। यानी कि ये जोश और जज्बा जो है आपके अंदर, किसी भी मतलब जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ आ जाता है, जब कोई परेशानी आ जाती है, बहुत सारे ऐसे मसले हो जाते हैं, कभी दिल नहीं किया कि यार मैं इसको छोड़ ही दूं, मैं कुछ और कर लूं, कभी दिल नहीं किया? लोग कहते हैं कि यार अमेरिका जाके कर लो, वहां तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं, हाँ। यूरोप चले जाओ वहां तो। इनफैक्ट ये तो उन खुद रेसलर्स ने भी कहा, ऑफर्स की कि हमारे क्लब से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ और वहाँ आगे। लेकिन हमारा एम ये नहीं है, हमारा एम है हम अपने पाकिस्तान में इस चीज़ का एस्टेब्लिश करें रेसलिंग को। तो बस यहीं पे फिर यही कर रहे हैं और यही करेंगे, पाकिस्तान की तरफ से जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक अलग चीज़ है, पाकिस्तान का फ्लैग जो है ना रिप्लेस करना एक अलग चीज़ है। बहुत से लोग होते हैं अपने साथ टैग लगा लेते हैं पाकिस्तानी का, हालांकि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो जस्ट आपको पता ही कि फ्लैग कैश करते हैं बहुत से लोग। तो हमारा तो खैर यहाँ पे यही, हम यहाँ अपने पाकिस्तान में ही करेंगे। अभी लाहौर में भी चल रहा है, अच्छा, क्वेटा में है, लाहौर में चल रहा है? जी लाहौर में चल रहा है, और हम ही ट्रेन करके यहाँ कुछ लड़के आए थे, यंगस्टर्स ही थे, अच्छा, तो तो आप नए जो यंगस्टर्स हैं उनको उनको ट्रेन ट्रेन भी भी कर रहे करते हैं हैं? जी। अभी सऊदीया से हमने इनफैक्ट रेसल ट्रेन करके भेजा, वो अच्छा सऊदी में जी, क्योंकि अच्छा वहाँ पे भी ऐसे ही थोड़ा सा है मामला, तो वो यहाँ आया, यहाँ के उसने स्टे किया तकरीबन 2-3 महीने, रहा उसने ट्रेनिंग वगैरह की, फिर सियालकोट से आया। अभी रिसेंटली रहीम यार खान से एक रेसलर हमारे पास आया हुआ है, जहाँजेब आरिफ एक्स मैन करके उसका नाम है, सही। वो है कोयटा से। अभी जुमा जेब है जो है वो किक बॉक्सिंग चैम्पियन है कोयटा तो वो का। पहले से ही मतलब इतने फिट हैं वो? ये असल में ये अंडरस्टिमेटेड लोग हैं, ये जो दो मैं नाम ले रहा हूँ ये पहले ट्राई कर चुके हैं और ये फेल्ड हो चुके हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था, अच्छा ये आए थे किसी उस टाइम पे इतनी जो है प्रोग्रेस नहीं थी रेसलिंग की, तो डिसअपॉइंट होके कोई अपने गांव चला गया, कोई अपने घर चला गया, उसने कहा यार यहाँ तो सही, होती नहीं। अपने अपने वापस चले गए। हमने उनको दोबारा पिक किया, अभी हम उनको देंगे अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ओके अब अलहमदिल्ला अब हमारा ये स्टेज है कि हम जो रियल टैलेंट है, जो पैशन रखते हैं, सही, ऑब्वियसली ये लोग जो आ रहे हैं ये अपनी फैमिलीज को सेक्रीफाइस करेंगे, अब बिल्कुल ऐसे अपनी है जॉब अपने बिजनेस सब कुछ क्योंकि छोड़ के आ आप रहे इस चीज से गुजर चुके हैं, तो हैं। इसलिए जी आपको पता है कि एक रेसलर बनने के का जो सफर है वो बहुत जी पेनफुल होता जी है। बिल्कुल, बहुत सही, कुछ जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि और ये चीज वही जान सकता है जिसने वो चीज खुद मतलब देखी हो जी या उस चीज से खुद जी गुजरा हम हो। ओपन आर्म वेलकम करते हैं जो कराची से स्पेशली, मतलब 4 करोड़ की आबादी है, मुश्किल से 22 रेसलर्स हैं कराची से, और पूरे पाकिस्तान में अगर देखेंगे तो 30 होंगे। अच्छा तो मैं ये बड़ा हैरान होता हूँ कि क्यों नहीं, इसको क्यों भागते क्यों है, अगर शौक भी है तो आए थोड़ा सा अपने हाँ आप को जो है वो आजमा ही लें। सही। तो अभी आप जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके अंडर जो है कितने स्टूडेंट्स होंगे अभी हमारे आपके? पास नियरली 30 हैं, 30 ठीक हैं? है, लेकिन उनमें से हमने जो है कंसीडरेशन में सिर्फ 20 से 22 को रखा हुआ है जिनको हम परफॉर्म कराने के काबिल समझते हैं, सही कि इनको हम परफॉर्म करा सकते हैं, ये परफॉर्म सही। करने के लिए रेडी हैं अभी, और बाकी बाकी जो है अंडर ट्रेनिंग है। वो अंडर ट्रेनिंग है, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो मतलब उसके लिए स्पेसिफिक कोई टाइम होता है, जी बिल्कुल, उनके लिए जो सुबह है का वो या रात का? स्लॉट्स होती हैं डिफरेंट, लाइक 7 to 9 है,
10 to 12 वायर। अच्छा तो मोस्टली ये इवनिंग में हम रखते हैं क्योंकि इसमें स्वेटिंग होती है ऑब्वियसली, तो दिन में मुश्किल होता है ये करना, तो ज्यादा एनर्जी कैलोरीज चली जाती हैं, तो हमें उसको वीक भी नहीं करना होता, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। ओके तो हम शाम का ठंडा टाइम रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है जब सही। प्रैक्टिस होती है। ऑब्वियसली ये फुल बॉडी वर्कआउट टाइप कुछ ऐसी चीज होती है, और एंड इट्स वेरी हार्ड टू नो अबाउट दिस बिकॉज आप कहते हैं हर दूसरे दिन मुंह भी सूजा होता है। मैं खुद मेरा नी फ्रैक्चर्ड है, मेरे तकरीबन 12 स्टिचेस लगे हुए सर में, और मल्टीपल छोटी बड़ी इंजरीज हैं, निशान भी है, अब तो इतने हैं कि बस अब तो काउंट और अभी कर भी आपका जो माशाल्लाह से जज्बा है वो कम नहीं हो रहा है। हाँ ऑब्वियसली ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि और बड़ी खुशी होती है जब अब लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं लोग, और उसको जो है लाइक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो खुश भी होते हैं कि यार हाँ, अब पाकिस्तान में भी हो रहे, सरप्राइज बिल्कुल। होते हैं वो। अब जो है लोगों को अवेयरनेस मिल गई है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि रेस्लिंग भी जो है हमारे जो है पाकिस्तान में आ चुकी है। और इस चीज़ का जो क्रेडिट है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं एक आपके चैनल पे बैठा हूँ, वीनस का एक बहुत बड़ा एक रोल है बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे पहले किसी टीवी चैनल ने ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं, सही सही कुछ थे भी, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो फिर पैसे मांगते हैं, बिल्कुल वो ऐसे हर चीज़ के पैसे मांगते हैं, सही। और रेसलिंग तो दिखाते ही नहीं है, वो कंट्रोवर्सीज ही चाहते हैं कि कुछ ऐसा हाँ, कंट्रोवर्शियल कुछ हो तो वो हम आपको दिखा पता है दें। आजकल बस यही चल रहा है कि जितना मिर्च मसाला डाला जाएगा, मतलब इन द सेंस ऑफ, आपको भी पता है जो आजकल खबरें चल रही होती हैं। वो असल में कंपैरिजन समटाइम हमारे जो है ना वो उनसे करने लग जाते हैं, वो टिकटॉकर्स से, और वो जो आजकल अब मैं हाँ इनसे कहता हूँ सर आप जो है ना, मैं मीनार पाकिस्तान पे अपने कपड़े नहीं फाड़ सकता कि मैं वायरल हूँ, हाँ अब सही, मैं रिंग में ही कर ये सकता आप वो वाक्य की बात कर रहे हूँ हैं। जी। बहुत सारे लोग स्टंट करते हैं ये बिल्कुल मॉडर्न ऐसे है, नेगेटिव, बिल्कुल इससे ऐसे पाकिस्तान है। का इमेज खराब होता है इनका। हाँ टिकटॉक को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन टिकटॉक पे बहुत अच्छा कंटेंट भी लोग लेकिन वहां पे बनाते जो हैं। लोग हैं इस तरह के भी हैं कि एक जो है लेडी थी, उन्होंने तो ये भी बोला था मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और फिर उसके बाद वो जिंदा भी हो गए। जी मतलब ये मुझे लग रहा था वो जो एक स्टार प्लस का कोई ड्रामा चल रहा है उस वहां ये पे। असल में ये वो लोग हैं जो इनको लगता है कि इनको ये कुछ कर नहीं सकते कहीं, ये मतलब इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अपने आप को राइट वे में जो है वो प्रेजेंट कर सकें। तो ये एक जो है वो अभी तो एक साथ बेड पे लेटे हुए, पता नहीं क्या नाम है उनको, बॉस करके, वो बीमार हैं, और वो जो है वो टिकटॉक पे वो इतने एक्टिव हैं, पता नहीं कौन से हमारे हैं, एक तो लोग बीमार होते हैं ना तो वो या तो बाहर चले जाते हैं या फिर ये है कि मशहूर हो जाते हैं। हाँ, तो बस यहाँ पे आपको पता है अगर आपको फेमस होना है तो आपको कोई ऐसा स्टंट करना चाहिए कि जिससे आप फेमस हो जाए। अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो उनको पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। खैर एनीवेज, मुझे ये बताएं कि आगे जो है फर्दर आपको क्या लगता है रेसलिंग का, क्या पाकिस्तान में फ्यूचर आने वाला है? बिकॉज अभी बहुत सारे आपने भी बताया आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लोग आते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ अभी भी आपके मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं आप उनको, आगे जाके फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए अभी तो जो हम काम कर रहे हैं ना, लाइक हाँ मैं ये मेरे बैच के कुछ लोग, बिलाल खान अफरीदी, जी मुस्तफ़ा अली खान, जी जी हम लोग एक बैच के हैं, सही हमने एक ही साथ स्टार्ट किया था। लाइक हमारे सही पास जूते भी एज रेसलिंग के नहीं होते थे, इसके स्पेशल जूते आते हैं रेसलिंग के, अच्छा तो हम एक साथ बैठ के बनाते थे प्लान के यार इसकी क्या जुगाड़ करें, क्योंकि सही कराची में हर चीज़ की जुगाड़ होती। सही तो अब जो हम कर रहे हैं, हमने तो सीड्स अभी लगा दी हैं, बिल्कुल तो देखिए रिजल्ट आएगा। अब जो जनरेशन जो यानी कि अब टीनेजर्स आएंगे, उनके लिए सब कुछ रेडी है, बिल्कुल सही कह उनका रहे हैं, कुछ भागना नहीं है कि यार प्लेटफॉर्म सही बनाना है, रिंग बनाना है, इसके सही कैमरास कहाँ से आएंगे, हमने सब कुछ कर लिया, बिल्कुल सही अब उनको सिर्फ आना है, ट्रेनिंग करना है, और वो अपने ड्रीम्स पूरे करना है अगर उनके शौक है तो। बिल्कुल जी। आपने जो है नई आने वाली नस्ल के लिए रास्ते खोल दिए हैं, जिन जिनको शौक होगा वो जरूर आपके पास आएंगे। और आपने तो उस दौर में स्टार्ट किया जब आपको कोई बताने वाला नहीं था, और हमारी जो है दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया, मुझे जाना है एक ब्रेक पे, शुक्रिया। तो वियर्स मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वियर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और इस वक्त हम बैठे हैं जॉर्डन हुर के साथ। और जॉर्डन मुझे ये बताएं कि आपको जो है वीनस पे जब आपका शो चल रहा है उसका क्या फीडबैक मिलता है आपको? देखिए फीडबैक तो बहुत ज़बरदस्त है, हाँ क्योंकि
अब लोग बताते हैं कि आप तो हमने टीवी चैनल पे देखा, आपका शो आ रहा था, और ये हमारा जो रेसलिंग शो है हाँ ये एवरी वीक ऑन एयर होता है सही, वीनस पे। यस आई हैव सीन योर शो। थैंक्स। तो बहुत से लोग देखते हैं, और इससे पहले हमें इतना ज़्यादा लोग नहीं मतलब रेसलिंग के हवाले से नहीं जानते थे, लेकिन जब से चैनल पे आने लगा तो लोग ज़्यादा अवेयर हुए इस हवाले से, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है वीनस की तरफ से, क्योंकि टाइम स्लॉट वो भी इतने इम्पोर्टेंट डे पे, सैटरडे संडे एक बड़ा ही जो है वो प्रीशियस डे होता है नॉर्मली बिल्कुल, मीडिया के हवाले से, ये क्योंकि एक तो वीकेंड होता है वीकेंड और होता उसके बाद फैमिलीज घर पे होती है हैं तो देखिए कुछ होता देखा जाता है। है। जी बिल्कुल। ओके, तो तो और कितना आपको सपोर्ट कर रहा है वीनस चैम? वीनस की तरफ से हमारे तक अभी तक के जितने हमारे शोज हो रहे हैं उसकी कवरेजेस जो हैं वो हमें वीनस ही कर रहा है। अच्छा, लाइक अभी जो हमारे वीनस से हटकर भी जो हम शोज करते हैं अपने आउटडोर हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे, यानी कि अभी जो पिछले जो हमारे गुजर चुके हैं शोज और अब जो होने वाले शोज उसकी भी कवरेज और उसको जो टेलीकास्ट करता है वो वीनस ही करता है। इनके ही कैमराज यूज होते हैं, इन्हीं के कैमरामैन होते हैं, सारा जो है वो जो एक समझ लीजिए एक ने वीनस ने हमें जो है वो गोद लिया हुआ, और वीनस का ये जो है बहुत बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा वीनस के अलावा और एक और बड़ी मजे की चीज़ मैं आपको बताऊँ कि टीवी डील रेसलिंग के लिए मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो, इंडिया या कोई भी कंट्री इस रीजन का, अभी तक कोई रेसलिंग जो प्रमोशन है या रेसलिंग मैचेस है या कोई टीवी चैनल है वो उनका आपस में कोई कोलैबोरेशन इस टाइप का नहीं हुआ हुआ है कि कोई टीवी चैनल एवरी वीक रेसलिंग को ऑन एयर करता हो सही, सिवाय WWE के, जो कि उसका टेनिस स्पोर्ट के साथ बिल्कुल सही, कोलैब है। बिल्कुल सही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसा टीवी चैनल है जो कि रेसलिंग को ऑन एयर करता है, जो पूरी दुनिया में लिमिटेड कंट्रीज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना यहाँ पे जो है चैनल्स जो अगर आप कोई चीज देते हैं तो वो डिमांड्स करते हैं। डिमांड्स करते हैं यहाँ पे, हाँ तो खैर पाकिस्तान का तो एक निज़ाम ही अलग है, आप इंडिया की भी बात देख लें इतना बड़ा उनका जो है वो इंडस्ट्री है, लेकिन वो भी रेसलिंग के लिए टाइम स्लॉट नहीं निकाल सकते हैं। सही, दुबई है, इतना रिच कंट्री है लेकिन नहीं निकाल सकते। यूरोप है, 28 कंट्रीज हैं और 128 रेसलिंग कंपनीज हैं, सही, लेकिन कोई भी उसको चैनल जो है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक तरह से, मतलब आप कहना चाह रहे और हैं कि इस तरह की जो कोलैबोरेशन है वो किसी चैनल ने कहीं नहीं की, नहीं है। किसी मुल्क में नहीं हुई, जो इस वक्त वीनस HGTV ने आप लोग के साथ की हुई जी है। बिल्कुल, और हम थैंकफुल हैं कि वीनस ने जो है REW को इतना सपोर्ट किया है, जो आज जो है हम इस हमारे जो सक्सेस है उसमें एक बड़ा मेजर रोल है वीनस सही, HD का। तो अभी जो है अब आपको फैंस जो है मिलते होंगे, लोग जानते होंगे, फैंस मिलते हैं जब कभी बाहर जाते हाँ हैं? बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन हमारी जो फैन फॉलोइंग होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा लाइक द अदर आर्टिस्ट, उनका ये होता है कि वो फॉरन से उनके पास आके उनके कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल हमसे ऐसे थोड़ा सा लोग जो है वो सोचते हैं कि यार ये मार देगा, ये रेसलर है, वो ये एक तो आपका एक है एक ना। इमेज, तो हाँ वो पहले वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, फिर आके बात करते हैं कि आप खुद देखा कैसा लगता है जब आपको, फैन आपको मिलता है अब कोई? जब वो बात करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा वो जो है वो हाँ, मतलब एक उनको फिर पता चलता है हाँ कि कि नहीं यार मारेगा नहीं ये ये मारेगा, पर्सनल ये कितवा सिर्फ देगा। रिंग में मारता है, ये यहाँ हाँ नहीं मारेगा। जी जी तो जब फैन कोई आता है आपके साथ पिक्चर खिंचाने, उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं? अच्छा लगता है, और ये ऑब्वियसली कि एक फीलिंग बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल खुशी खासतौर पे होती है, हमें क्योंकि अभी यही अचीवमेंट है हमारे लिए, बिल्कुल सही, और बिल्कुल खासतौर पे अपने लोग जब आपको प्यार करने लगे तो ये बड़ी एक एक लाजवाब सी एक चीज़ होती है, क्योंकि हम वो तो कैरेक्टर्स नहीं है कि हम 2 करोड़ रुपए एक फिल्म ले लें करते सही, बिल्कुल सही हो कह तो हम रहे हैं, पैसे को इम्पोर्टेंस देते हो, और हमारी तो अर्निंग हमारी फैन फॉलोइंग है बिल्कुल सही है, और यही हम अर्न करना चाहते और हैं। यही आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया है। मुझे ये बताएं, कभी कोई आपको क्रेजी फैन मिला या मिली? जी मिले भी हैं और मिली भी मिली हैं। भी, फिर जी, क्या हुआ? अब बस एक उनका जो क्रेजीनेस था वो यही था कि जिस तरह से आपने यहाँ पे वॉल्स पे डिफरेंट फोटोग्राफ्स लगाए हुए, तो उन्होंने भी अपने रूम में जो है डिफरेंट फोटोज मेरी इस तरह से लगा ली, और सीरियसली, जी और हर वाह चीज़ को उन्होंने लाइक उन्होंने अपने बेडशीट तक पे प्रिंट करवा दी और फोटोग्राफ्स और वो, वाह, हाँ तो वो थोड़ा सा एक इस तरह से भी हुआ, हाँ होता है ऐसा ऐसा तो फिर अक्सर लोगों के साथ आपने होता किस होगा। तरह से उसको समझाया या किस तरह से हैंडल किया सिचुएशन को? ब्लॉक कर दिया।
वेल कभी कभी ये हो जाता है. ऑब्वियसली आप माशाल्लाह इतने फेमस हैं और लोगों को बहुत क्रेज है, स्पेशली मैं समझती हूँ बच्चे जो हैं वो आपके बहुत फैन होते हैं, बिकॉज देखिए, बच्चों हम को. तो हम रिस्पेक्ट करते हैं हाँ बच्चों बच्चों से, तो खैर प्यार ही होता है हमें सही, बच्चों के बिल्कुल लिए, ऐसे ही. तो सबसे पहले जो है हम आगे आते हैं, लेकिन कुछ फैंस ऐसे होते हैं उनको कुछ अंडरस्टैंड करना चाहिए. बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ कि हम आपके जो फैंस हैं उनको ये बात नहीं समझ आती, क्योंकि फैंस जो होते हैं बड़े मतलब क्रेजी होते हैं. उनको यही लगता है कि अगर आपको कोई पसंद करता है, ऑब्वियसली किसी हीरो को भी अगर कोई पसंद करता है तो उसको बस वैसा ही वो बंदा चाहिए होता है. लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो कोई बात नहीं इस तरह की क्रेजी हरकतें करके अगले बंदे को इस पे मजबूर मत करें कि वो आपको ब्लॉक कर दे. तो इस तरह की हरकतें करने से ग्रेस करें. मैंने आपकी थैंक तरफ यू, से मैसेज दे शुक्रिया दिया. आपका. थैंक यू. वेलकम. मुझे ये बताएं पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं, पढ़ाई कहाँ से शुरू की और स्कूल कॉलेज कहाँ से था आपका, देखिए, यूनिवर्सिटी. ग्रेजुएशन किया था कराची यूनिवर्सिटी से, देन MBA इन मार्केटिंग किया था. फिर उसके बाद फिर जॉब नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, हाँ एक प्राइवेट कंपनी में एक जॉब, सही और उसके साथ साथ पैशन था बॉडी बिल्डिंग का. सही. रेसलिंग तो था लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज नहीं थे, तो हाँ बॉडी बिल्डिंग में ही रहते. वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स किए, सही. उसमें भी मैन फिजिक्स में अच्छी खासी जो है मैंने जो है अचीवमेंट्स है मेरी अच्छा जी. और फिर उसके बाद फिर रेसलिंग में आ गया था रेसलिंग में आ गए जी. मतलब ये तो. सारी चीज़ें अभी हैं, मतलब लाइफ में इससे कुछ स्किप नहीं हुआ, बढ़ गई हैं चीज़ें. लाइक अच्छा, लाइफ इज वेरी टफ नाउ. मतलब और आपने इन चीज़ों को जो है अपने करीब कर लिया है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप जब से बता रहे हैं ऑब्वियसली इंसान की रूटीन बन जाती है, जी तो फिर बिल्कुल. वो जो रूटीन है वो नहीं छूटती है. बहुत सारा क्वालिटी टाइम अब किल हो गया, लाइक फैमिली टाइम अब नहीं होता. फ्रेंड्स के साथ बैठते थे, अब वो नहीं अब होता. वो जाहिर है, नहीं सुबह होता. ऑफिस, फिर देन शाम को फिर घर आना है, फिर जिम भाग जाना है, फिर जिम से आना है, हाँ, फिर एकेडमी जाना है, ऑब्वियसली फिर एक निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती जी बढ़ हैं जाता है और लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं, आप गुजरते जाते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती जी. जाती है. बिल्कुल. तो आर यू मैरिड? नॉट येट, अभी तो नहीं. अभी नहीं हूँ. तो मोहब्बत हुई आपको कभी? नहीं नहीं. बहुत सोच के जवाब दिया आपने. नहीं कभी भी नहीं हुई, नहीं करनी भी नहीं है. हो जाएगी तो पता चल जाएगा. बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है जिंदगी में, इसको करना नहीं पड़ता, ये हो जाती है बस. जी और बिल्कुल. मेरे जो शो पे आके बहुत सारे लोग हैं बड़े सियासी से बयान देते हैं, लेकिन मैं उगलवा ही लेती हूँ. लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह करे आपको बहुत जल्द आपका कोई अच्छा पार्टनर मिले. थैंक यू, ये इंशाल्लाह. बताएं कि अब माशाल्लाह आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, जी बिल्कुल, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. होंगे, तो अब वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? तब तो उन्होंने खैर बहुत टफ टाइम दिया आपको, लेकिन अब क्या आपको, आप किसी मकाम पे पहुंच गए हैं आप. अब ये है कि वो जो है बड़ा प्राउडली जो है दूसरों को बताते हैं कि हाँ ये देखो, ये फोटो जो है ये हमारे बेटे की है, और ये वो है. हाँ ऑब्वियसली एक वक्त के साथ साथ एक लुक भी चेंज हुआ. पहले ऑब्वियसली. हम क्लीन शेव थे, और हाँ जो है बड़े एक अलग लुक था, अब थोड़ा सा ऑब्वियसली. डिफरेंट लुक हाँ है. तो वो एक कंपैरिजन भी दिखाते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया. पहले अब ये देखो US में, ये देखो ये इससे लड़ा है, ये इससे जीता है, ये इसकी मतलब ये उनका जो विक्ट्रीज. सर है वो फखर अब से वो आपने प्राउडली. बुलंद कर जी दिया है, बिल्कुल. तो अब उनका मतलब सारा परसेप्शन चेंज हो गया होगा. लेकिन वो सपोर्ट वो वैसी अभी भी नहीं है कि वो खुद कहते हो कि लो बेटा बैग तुम्हारा, जाओ तुम रेसलिंग करो जाके. ऐसा अभी भी नहीं, अभी भी रोकते ही हैं. हाँ और लेकिन ये कि कहीं ना कहीं जो है सॉफ्ट कॉर्नर है अब हाँ पहले. ऑब्वियसली पेरेंट्स के अंदर ही सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा. हाँ बिल्कुल. खैर, अब मुझे ये बताएं कि आगे जो है आने वाले दिनों में और क्या मसरूफियत होने वाली है आपकी. देखिए, हमारा हर दिन जो है वो बिजी से बिजी होता है यार, क्योंकि कोविड में हम काफी जो है वो स्टक हो गए थे एक पॉइंट के ऊपर. हमारा हाँ रेसलिंग, हमारे जिम, हाँ, सब कुछ बंद हो गया बिल्कुल, था. सब बंद हो गया. और अब जो हमने स्टार्ट किए, तो कोविड के बाद से ही मेरे 2 टूर्स हो चुके हैं इंटरनेशनल अभी तक. और अब वेरी सून जो है ईरान और टर्की का है मेरा टूर, अच्छा. और पाकिस्तान में जो हमने REW अभी तक कर चुके हैं, यानी कि मैक्सिमम हमने शोज देने, तकरीबन हम 6 शोज अभी इस साल दे चुके हैं, यानी मिड ऑफ द ईयर. और अभी जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, इसमें हमें कम से कम 12 शोज और देने. तो उसको ही मटेरियलाइज करना है, कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, कुछ हमें ऑब्वियसली कुछ प्रॉप्स चाहिए होते हैं, कुछ सही. अरेंजमेंट्स हमें स्पेशल करने होते हैं, क्योंकि हर शो हमें वो पहले से अच्छा करके तो ये दिखाना जो पड़ता है. सारे शोज होते हैं ये आप ऑर्गेनाइज खुद करते हैं या फिर आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं इसके लिए? शोज को हम डिफरेंट उसमें जो है स्पॉन्सर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, वैसे मिलता नहीं है हमें.
होता अच्छा, ये है ढूंढना पड़ता। जी, होता ये है कि अब एट्रियम मॉल है, एट्रियम मॉल ने अपने प्लेस पे हमसे शो करवा लिया, ठीक है। एट्रियम मॉल खुद से अगर हमें स्पॉन्सर कर दे और हम बाहर जाएं मुल्क से या हम किसी और जगह भी करें, वो चीज़ अभी तक नहीं है। सही। एट्रियम का भी मतलब एक बड़ी चीज़ है कि वो एक अपॉर्चुनिटी तो हमें दे रही है, लेकिन ये कि वैसे स्पॉन्सरशिप हमें अभी तक नहीं मिली है कि किसी स्पेसिफिक रेसलर को। सही। मतलब लकीली मुझे GFS बिल्डर्स ने एक दफ़ा किया था तो मैं नेपाल चला गया था, लेकिन उसके बाद नहीं मिल सका। तो अभी जैसे जैसे स्पॉन्सर्स हमें इस टाइप के मिलेंगे कि हम खुद से अपने शोज ऑर्गेनाइज करेंगे, अब सही। तो फिर वो चीज़ अलग होगी। अभी ताहल तो ऐसा नहीं है। अभी ये है कि जो शोज जिन्होंने करवाने होते हैं अपने प्लेस पे, हाँ, हमें वो इनवाइट करते हैं, हम अच्छा जाके अच्छा अपना रिंग अच्छा ले आके अपने सेटअप्स वगैरह लगा के हाँ हम परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। ये बिल्कुल, पाकिस्तान का भी, कराची का यही अभी सिनारियो तक है। यही सिनेरियो चल रहा है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। हमारी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं और शुक्रिया। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि पूरा पाकिस्तान जो है आप पर जरूर फख्र करेगा, बल्कि अभी भी कर रहा होगा, क्योंकि मैं तो आज बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्टली पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया और आपने एक बाहर के जो है रेसलर को हरा के आए हैं। इट्स अ वेरी बिग और वेरी मतलब रेयर थिंग के रेसलर जो है इस वक्त मेरे सामने वो इंसान बैठा हुआ है जिसने बाहर के रेसलर को हरा दिया। शुक्रिया आपका, आप थैंक यू सो हमारे मच। लिए बाई से फख्र हैं। और इसी के साथ मेरे शो का वक्त जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन जाने से पहले हमारे यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए एक ही मैसेज है मेरा कि एक्सपर्टीज का दौर है, कुछ भी करें उसमें एक्सपर्ट बने। अगर आपको लगता है कि आप किसी मैकेनिकल फील्ड में आपको जाना चाहिए तो उसमें एक्सपर्ट बनिए। पढ़ाई अगर आप कर रहे हो अपने साथ कीजिए, लेकिन उसमें भी एक्सपर्ट बने। ये एक्सपर्टीज़ की दुनिया है, दुनिया एक्सपर्ट को याद करती है। ऑर्डिनरी अगर आपको नॉर्मली पढ़ाई करके या छोटा मोटा काम करके ज़िंदगी गुजारनी है तो वो ना करें, एक्सपर्ट बने। थैंक यू सो मच जॉर्डन, मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। और वियर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।